यार वैन हेल्सिंग तो ठीक है, लेकिन हमें कुछ देसी माल चाहिए था यार। मतलब कब तक काम चलाएंगे विदेशी वेयरवुल्फ से, ये भी स्वदेशी चाहिए। इतना ज़्यादा सोचने के बाद आखिरकार मिल गई एक फिल्म, भेड़िया। स्टार्टिंग में कास्ट के बारे में पता चलते चलते तो यही लगा कि इरिवर्सिबल कलेश हो चुका है। फिर देखा यार वरुण धवन ने शायद इसी फिल्म के लिए एक्टिंग सीख ली। जिस बंदे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसने बहुत कुछ डिलीवर कर दिया, और ये तो 500 करोड़ में बनी भी नहीं है, है कि नहीं। मतलब इस ट्रेलर में पूरी ओवरऑल वाइब बहुत पॉपी है, हैप्पी है और फनी है, लेकिन वो वेयरवुल्फ में जो हॉरर एलिमेंट चाहिए वो थोड़ा कम है। और वैसे भी ये अभी ट्रेलर ही है, फिल्म आने में पता चलता है कि कैसा होगा। ट्वाइलाइट वाला भेड़िया तो थोड़ा छोड़ दो उसको, उससे दूर रहना, क्योंकि वो वहीं ठीक है और नहीं चाहिए। अगर ये लोग सचमुच में कुछ करने वाले हैं तो हैरी पॉटर, वैन हेल्सिंग, द ऑर्डर, इन जगहों के रेफरेंसेस बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि इन भीड़ियों को देख के ही लगता है यार इससे दूर रहना है, कुछ कर देगा। लेकिन चलो, इन लोगों ने वेयरवुल्फ का पूरा लुक डिस्क्लोज नहीं किया है तो एक्सपेक्टेशंस अभी भी हाई रख सकते हैं कि ये लोग कुछ अच्छा ही दिखाएंगे, क्योंकि डायरेक्टर अमन कौशिक जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, कैसे कनेक्ट करना है। और अभिषेक बैनर्जी, हाँ भाई अभिषेक बैनर्जी जो गुड्डू भैया के दोस्त बनते हैं, इन सबकी मिलीजुली एक्टिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब जो पंचेज हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो सिंपल थोड़े क्लीशे हैं लेकिन फिर भी ठीक है ना। और नितेश भट्ट को भी पता है कि किस किस पॉइंट पे वो लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से उन्होंने स्टोरी लिखने में भी कोई कंजूसी नहीं की है। क्योंकि ट्रेलर में तो दिखता है कि हमें वो अपनी देसी वाली टच करने वाली वाइब्स तो मिल रही हैं। नितेश भट्ट को पता है कि उन्हें लोगों से किस तरीके से कनेक्ट करना है। एग्जांपल चाहिए तो उनकी मूवी देख लो, बाला, सीरियस मैन, रॉन्ग साइड राजू, मेड इन चाइना। इन मूवी से पता चलता है कि वो आदमी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। अब ये पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स तो है जो सबको पता है, हमें पता है, तुम्हें पता है, सबको पता है। इसकी पहली मूवी थी स्त्री, दूसरी थी रूही, तीसरी है भेड़िया, और इसके बाद आने वाली है मूंझा। अब मूंझा जो सब लोग सोच रहे हैं कि स्त्री की पार्ट टू होने वाली है, नहीं, मूंझा ब्रह्मदैत्य को कहा जाता है, और ये मूवी होने वाली है ब्रह्मदैत्य या फिर मोस्ट प्रॉब्ली ब्रह्म राक्षस के बारे में। इसके बाद शायद स्त्री का पार्ट टू आने वाला है या फिर क्या आएगा पता नहीं। और तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, और नीचे कमेंट्स बताना कि तुम्हारे क्या क्या विचार हैं इसके बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते जाना क्योंकि तुम लोगों से ही हम हैं। और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।痛いんじゃないか。いくらお前が猫だって許さないぞ。